दोस्तों, क्रेडन के ऊपर बहुत सारी वीडियो इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने पूरा डिटेल रिव्यू दिया हो कि क्रेडन होता क्या है, क्रेडन हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे करता है, क्रेडन हमारी स्ट्रेंथ को कैसे बूस्ट करता है, अगर क्रेडन का साइड इफेक्ट है तो कितने हैं और उनको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या क्रेटिन के बिना हमारा काम चल सकता है, क्या हमारी स्ट्रेंथ क्रेटिन के बिना बढ़ सकती है, क्या कुछ नेचुरल फूड्स हैं जिनसे क्रेटिन की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, तो हम इस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहना। हेलो गाइस, आई एम कपिल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस कोच इन दिल्ली। तो शुरू करते हैं इस चीज़ से ही, क्रेटिन क्या होता है। एक्चुअली क्रिएटिन दोस्तों हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो मसल्स होते हैं, जो कि हमारे सारे डेली रूटीन काम करने में हमारी मदद करती है, जो मसल्स होते हैं उनका एक बाय प्रोडक्ट है जो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट नहीं ले रहे तब भी हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिन मौजूद होता है जो कि हमारी एनर्जी में बढ़ाने में मदद करता है, और वो फिल्टर होता है किडनी के थ्रू, मतलब किडनी से ब्लड स्ट्रीम में से उसको अलग कर दिया जाता है। तो आप सोचोगे कि भाई क्रिएटिन फिर हम सप्लीमेंटेशन में क्यों लेते हैं। दोस्तों क्रिएटिन क्या करता है, एटीपी जो हमारी बॉडी के अंदर एडिनोट्राइफॉस्फेट होती है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसके अंदर क्रिएटिन काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्रिएटिन हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देता है, एटीपी लेवल्स को बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा, जिससे अगर आप ट्रेन कर रहे हो अपनी बॉडी को, अपने मसल को, फॉर एग्जांपल मैं अगर चेस्ट लगा रहा हूँ और अगर मैं 100 केजी की बेंच प्रेस लगाता हूँ तो मैं 105 केजी की बेंच प्रेस लगा पाऊँगा, और अगर मैं 100 केजी की ही बेंच प्रेस लगा रहा हूँ तो अगर पहले मैं 7 रेप लगा पाता था तो मैं अब 8 से 9 रेप लगा पाऊँगा। तो आप पूछोगे भैया ये रिजल्ट्स मेरे को कितने दिन में देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हो, अच्छी कंपनी का जेन्युइन सप्लीमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको विद इन अ वीक रिजल्ट्स देखने को 101% मिल जाएंगे। क्रिएटिन कैसे हम बाहर से ले सकते हैं विदाउट एनी सप्लीमेंट, मतलब अपने डाइट के अंदर कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो बंदे वेगन हैं, मतलब जो ना तो डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं ना नॉन वेजिटेरियन है, वो क्या ले सकते हैं, वो ले सकते हैं आलमंड्स ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गए हमारे, इन सब चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हो जो जिसके अंदर क्रिएटिन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जैसे कि पालक हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसके अंदर क्रिएटिन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। उसके बाद बात करते हैं वेजिटेरियंस, जैसे कि मिल्क हो गया, जैसे कि मिल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिन पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर फूड प्रोडक्ट्स जो कि वेजिटेरियन होते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट सारों में ही मिलते हैं, जैसे कि घी हो गया हमारा, दूध हो गया, दही और लस्सी वगैरह, छाछ, हर एक चीज़ के अंदर क्रिएटिन हमको मिलता है। उसके बाद बात करते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप क्या ऐड कर सकते हो, चिकन, फिश, ये चीज़ आप अपने डाइट के अंदर बढ़ा दोगे, इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दोगे, मैंने तीनों का बता दिया, वेगन का, वेजिटेरियन का भी और नॉन वेज का भी, अगर आप इन चीज़ों की क्वांटिटी अपनी बॉडी के अंदर बढ़ा दोगे तो क्रिएटिन लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होंगे और आपके बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स भी डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन हमको कितनी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट इस्तेमाल करें तो जैसे कि मेरे पास अभी है मसल ब्लेज का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट, इसका डिसेंट रिजल्ट है। हालांकि जो गुरमान सर है उनका भी एक ब्रांड है जी एम न्यूट्रिशन, उसका मैंने सबसे पहले क्रिएटिन यूज़ किया था तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट था उसका, उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्रिएटिन कैसे इस्तेमाल करें, आप थ्रू आउट द डे कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान ही रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम करना है। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि सर हम वाटर कंज्यूम क्यों करें, हम क्रिएटिन का सिंपल मतलब जैसे कि नॉर्मल डे रूटीन जो हमारा है उसको लेते लेते क्या हम वो नहीं कर सकते, मान लो कभी आप पानी लेना भूल गए, तो बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर मान लो हमने ज़्यादा पानी नहीं पिया तो क्या पता हमारा एक दिन में ही पूरा सिस्टम बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। ये बात बोलने का रीज़न सिर्फ ये होता है कि आप अवेयर रहे इस चीज़ के लिए कि आपको वाटर ज़्यादा कंज्यूम करना है, इसका मतलब ये है जितना एडिक्वेट है, जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना तो वाटर आपको मिनिमम देना ही देना है, उससे 1 या 2 लीटर ज़्यादा ही देना है अपनी बॉडी को, जिससे कि हमारी किडनी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो आई होप मैंने इस वीडियो के अंदर पूरे आपके क्वेश्चन, जितने भी आपके डाउट क्रिएटिन के रिगार्डिंग में, सारे कवर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।